स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आई टी यूट्यूब चैनल पर ओडिशा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव टीएनई की पोस्ट की वैकेंसी आई थी टीएनई एन ट्रेनी जिसे नाम दिया गया था जिसमें आईटीआई के अलग अलग ट्रेड एलिजिबल थे इलेक्ट्रिकल ट्रेनी इसमें था मैकेनिकल ट्रेनी था एंड इसके साथ साथ वेल्डर ट्रेनी क्रेन ऑपरेटर ट्रेनी वायरमैन ट्रेनी एंड स्टोर कीपर ट्रेनी की वैकेंसी थी जिसके फॉर्म ग्यारह नवंबर दो तक भरे गए थे एंड इनकी एग्जामिनेशन की डेट जो है वो जारी की जा चुकी है उसके साथ ही साथ ऑफिशियल सिलेबस जो है वो भी जारी किया जा चुका है पूरी तरह से परमानेंट जॉब थी अगर आपने भी इसमें अप्लाई किया है तो आपको एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए ऑफिशियल सिलेबस जो जारी किया गया है उसको आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफ टी एन जो था सबसे पहले इसमें एडवर्टाइजमेंट आया था फिर यहाँ पे ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक आ चुकी है इस पर आप क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं एंड अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका एग्जामिनेशन कब है क्योंकि एक दो कैंडिडेट के हमारे पास एडमिट कार्ड आए थे जिनका एग्जामिनेशन ट्वेंटी एट नवंबर को था क्या सेम डेट पर सभी का एग्जाम है या अलग अलग है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा यहाँ पर सी बी टी सलेबस है टी एन ई ट्रेनिंग का जिसको हम डाउनलोड कर चुके हैं आइए देखते हैं कम्प्लीट सिलेबस क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की पोस्ट है उसका सिलेबस यहाँ पे जारी किया गया है एंड आपका जो आईटीआई में जो आप पढ़ते हो ना सेम वही सिलेबस है तो अगर आपने उसकी अच्छे से स्टडी की होगी तो आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जैसे सबसे पहले आप देखेंगे जो सेफ्टी है सेफ़ वर्किंग प्रैक्टिस है इन्वायरमेंट रेगुलेशन है उनका फिर ट्रेड के टूल्स क्या हैं कंडक्टर्स केबल्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के लाज जो हैं किरचाफ का नियम हो गया ओम का नियम हो गया ला ऑफ मैगनीटिज़म एट्सट्रा ये जितने आते हैं ये जनरेटर का सिद्धांत मोटर का सिद्धांत इलेक्ट्रिकल वायर ज्वाइंट सोल्डरिंग बाइंडिंग इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ये पूरा जो सिलेबस है ना इसकी कॉपी हम आपको टेक स्टडी आई टी टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे तो अगर आप वहाँ पे नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइएगा यूट्यूब पे जुड़े रहने के साथ साथ अगर आप टेलीग्राम पे भी जुड़ जाते हैं तो आपको सारी अपडेट और इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी मिल जाती हैं यूट्यूब पर वीडियोज़ मिलते हैं वहाँ पर आपको पी और अपडेट्स भी मिलती रहती हैं इसके अलावा आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, बैटरी टेस्ट सर्विस रिचार्ज इंस्टॉलेशन, स्टेबलाइजर यू इन्वर्टर अर्थिंग इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट के बारे में रिले एंड सर्किट ब्रेकर के बारे में वायरिंग सिस्टम टेस्टिंग हो गया इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का डीसी मशीन एसी मोटर इंडक्शन मोटर अल्टरनेटर एंड मोटर जनरेटर सेट ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट इलेक्ट्रिकल इनसन सिस्टम डोमेस्टिक अपलायसेज ये सब कुछ आपको पढ़ना है आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं या चाहें आप इसका, इसका स्क्रीन ले सकते हैं इन टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे उसको भी हम एडमिट कार्ड पे आपको दिखा देंगे बट पहले आप सिलेबस देख लीजिए मैकेनिकल ट्रेनिंग में बात करें तो सेम यहाँ पे भी आपका जो पूरा सिलेबस है ना आप देख सकते हैं सेफ वर्किंग प्रैक्टिस इन्वायरमेंट रेगुलेशन सबका पहला चैप्टर होता है देन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एक्यूरेसी एक्यूरेसीवैलुएसन रहता है देन नॉलेज ऑफ टर्बाइन ऑगजिलरी लुब्रिकेटिंग सिस्टम आयल कूलर गवर्नर कंप्रेसर इनके बारे में आपको पढ़ना है ए सी प्लांट एंड वेंटिलेशन के बारे में पढ़ना है डिफरेंट टाइप के फिटिंग ऑपरेशन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ ड्रिल मशीन रीमिंग मतलब बेसिकली मशीनस ऑफ पूरा आपको पढ़ना है देन ओवर हालिंग एंड लुब्रिकेसन बियरिंग्स का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है पावर टूल को जो ऑपरेशंस होते हैं लाइक पाइप जॉइंट गैसकेट डिसमेंटल असेंबल वाल्व एंड फिटिंग इन पाइप सीट पम्प मोटर इन सब के बारे में पढ़ना है बिल्डिंग आर्क वेल्डिंग गैस वेल्डिंग सीट मेटल वर्किंग देन आपको लिमिट फिट एंड टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक्स इंस्पेक्शन ऑफ मशीन टूल्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी इसके बारे में पढ़ना है ट्रेन ऑपरेटर ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पर भी आपका जो कम्प्लीट सिलेबस अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम ट्रेन में बहुत होता है तो वो भी आपको देखना पड़ेगा क्रेन फिटिंग के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं फिटिंग इक्विपमेंट है वो वाल्व इंजन इंजिनयल जॉइंट गैसकेट पैकिंग स्केल सील इनके बारे में इंजीनियरिंग जो चेन टेप प्रोप होती है पुली चेन होता है ट्रॉलीज़ होती हैं वायर गेजेज होती हैं सीढ़ियाँ लैडर होती हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट स्टडी करनी है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आप क्रेन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हर टॉपिक में आपको दिखेगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स इंसुलेशन एंड अर्थिंग ये सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा देन अगर बात करें स्टोर कीपर ट्रेनिंग की तो यहाँ थोड़ा सिलेबस अलग हो जाता है इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार पूरा सिलेबस जारी किया गया तो क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे इसमें आपका बेसिक कंप्यूटर भी पूछा जाएगा बेसिक अकाउंटिंग आपसे पूछी जाएगी स्टोर कीपर के केस में देन वायरमैन ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पर जो वायरमैन का आपका कम्प्लीट सिलेबस है वो पूरा तो वायरमैन ट्रेड का आप पूरा देख सकते हैं इसमें आपका जो सिलेबस है उसको यहाँ पर कवर करना पड़ेगा आपको अगर एग्जामिनेशन आपको निकालना है तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी एंड एक चीज़ ध्यान दीजिए अगर आप एक बार इन सब की तैयारी कर लेते हैं ना तो जितने एग्जामिनेसन्स होते हैं इससे बाहर से कुछ नहीं आता है यही सिलेबस सब में होता है एक बार की तैयारी हमेशा के लिए बस आपका रिविज़न करते रहना है आपका हर वैकेंसी निकलेगा लेकिन अगर आप इसको सीरियसली पढ़ पाएंगे तब अब ऐसा नहीं कि आप बस इसको गए हाफ वेब फुल वेव क्या होता है ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है पढ़ लिए प्रॉपर उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है उसमें कितनी चीज़ें क्या लगती हैं कैसे वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा तब कहीं जाकर आपसे एग्जामिनेशन निकलने स्टार्ट होंगे अब वहाँ ऐसा नहीं सिर्फ ट्रांसफार्मर में पूछ लेगा ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन होता है ट्रांसफार्मर के क्या क्या पार्ट होते हैं किस पार्ट का क्या काम होता है कौन सा पार्ट किस मटेरियल का बना होता है ये सारी चीज़ें वहाँ पर पूछी जाएंगी भंवर धारा क्या होती क्रोड क्या है वो सब कुछ आपसे पूछा जाएगा और अगर आप डीपली नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर एग्जामिनेशन निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा आप सिर्फ एग्जामिनेशन देने जाएंगे आएंगे रिज़ल्ट चेक करेंगे बस उसके अलावा आपका कुछ नहीं हो पाएगा अगर आप सीरियसली नहीं पढ़ेंगे वेल्डर ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे भी सबसे पहले सेफ़ वर्किंग प्रोसीजर है देन ड्राइंग आपको पढ़नी आनी चाहिए डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग मशीन क्या होती है मेटल्स क्या होते हैं वो आपको जाना चाहिए मेजर डायमेंसन ऑफ कंपोनेंट गैस वेल्डिंग क्या है आर्क वेल्डिंग क्या है गैस ब्रेजिंग क्या है टिग वेल्डिंग क्या होती है मिग एंड मैग वेल्डिंग क्या है इसमें कौन कौन सी अब मिग मैग वेल्डिंग से मतलब ये है कि कितने टाइप की इसमें वेल्डिंग टॉर्च होती है क्या फिलर रॉड यूज़ करते हैं इसके साथ साथ कौन सी कौन कौन सी इनर्ट गैसेस यूज़ कर सकते हैं किस गैस का क्या फर, प्रभाव पड़ता है क्या करने से क्या दोष आएंगे वो सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना होगा तब आपसे एग्जामिनेसन्स क्रैक होने स्टार्ट होंगे एस एम ए डब्लू सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग की मशीनें क्या क्या हैं ऑक्सीटलीन कटिंग प्लांट जो है उसमें क्या क्या है नॉजल साइज क्या होता है कितनी थिकनेस पे क्या यूज़ करेंगे ये सब कुछ आपको आना चाहिए डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा डिफरेंट टाइप के एम एस पाइप जॉइंट्स क्या क्या होते हैं उनकी पोजिशन क्या क्या होती हैं पाइप जॉइंट की टेस्टिंग कैसे करते हैं कौन कौन से मेथड होते हैं टेस्ट करने के गैस मेटल आर्क वेल्डिंग मशीने क्या है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग मशीन क्या है प्लाज्मा आर्क कटिंग क्या है प्लाज्मा क्या है ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा ये पूरा कंप्लीट सिलेबस जारी किया गया जो कि बहुत अच्छा है इसे आपको डाउनलोड करके रखना चाहिए एंड टॉपिक बाई टॉपिक आपको जरूर स्टडी कर लेना चाहिए अब यहाँ पे एडमिट कार्ड देख लीजिए कुछ इस तरह का एडमिट कार्ड आपका आएगा 28 नवंबर 2022 को यहाँ पे डेट एंड एग्जामिनेशन का दिन बताया जा रहा है जबकि दिसंबर की बात हुई थी नोटिफिकेशन में बट यहाँ पे नवंबर में एग्जामिनेशन बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा आपका एग्जामिनेशन कब है जैसे इनका देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड था तो उस केस में यहाँ पर जो है इनका इस डेट पर एग्जामिनेशन अब आपका कब है आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा एंड एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लीजिए रेस्पेक्टिव जो डिसिप्लिन या सिलेबस है उससे आपके अस्सी क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के आपके दस क्वेश्चन आएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के दस क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के दस आएंगे एंड इंग्लिश लैंग्वेज के दस क्वेश्चन आएंगे टोटल 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा टोटल 120 क्वेश्चन है मींस एक क्वेश्चन को एक मिनट का टाइम यहाँ पे दे सकते हैं आप कुछ क्वेश्चन आपके पाँच सेकंड में हो जाएंगे आते रहेंगे कुछ ऐसे होंगे जो न्यूमेरिकल पोर्शन के होंगे उसमें आपको टाइम लग सकता है एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है वन फोर्थ का तो ध्यान देना है गलत क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करने हैं एडमिट कार्ड के साथ साथ एडमिट कार्ड पर हमने वीडियो बना ही दिया था आप लोग अपना डाउनलोड कर लीजिएगा एंड ये पैटर्न है और वो सिलेबस उस है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करके एग्जामिनेशन देना है देखिए टाइम ज़्यादा नहीं बचा है आपने अच्छी पढ़ाई की होगी एक बार रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा एंड एक दो मॉक टेस्ट भी आप अच्छे से दे लीजिएगा जिससे आपको अपनी पता चल जाए क्या स्पीड है कहाँ तक आप कर पा रहे हैं थैंक यू वेरी मच मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगले वीडियो में बाकी आप सभी लोग बने रहेगा चैनल पर अपना खूब ख्याल रखिएगा पढ़ाई करते रहिएगा थैंक यू